कृष्णा ने हमारे बनाए बवंडर को ध्वस्त कर डाला। कोई बात नहीं, देखते जाओ, मेरे इस भाले की शक्ति के आगे वो मायावी बालक कुछ भी नहीं। आज रात्रि को मैं उसके कवच को ध्वस्त कर दूंगा और फिर उस बालक की खैर नहीं। मगर ध्यान रहे, ऐसा करने से पहले उस वास्तविक कृष्णा का अपयश करना अति आवश्यक है। उसकी चिंता आप मत कीजिए, उसके लिए मेरे पास एक योजना है। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है, उस भंवर का निर्माण इस कन्हैया ने स्वयं अपने लट्टू से किया है। नहीं, यह असंभव है। मेरा लल्ला तो एक छोटा सा बालक है, और भला लल्ला ऐसा क्यों करेगा? वैसे भी तुम्हें तो सदैव ही मेरे लल्ला से कोई ना कोई समस्या रही। मैं भली भांति जानती हूँ तुम ये सब मेरे लल्ला को बदनाम करने के लिए बोल रहे हो। आपको मुझ पे विश्वास नहीं है ना? ठीक है, बाकी बाल गोपालों से पूछ लीजिए, ये तो सत्य बोलेंगे। ये सत्य है, कान्हा ने ही अपने लड्डू से भंवर का निर्माण किया था। ये तो बालक हैं, हो सकता है इनसे देखने में कोई भूल हो गई हो, और वैसे भी हमारे ग्राम पर एक से बढ़कर एक कई मायावी आक्रमण हो चुके हैं। हो सकता है ये भी किसी दानव ने किया हो, और वो भी तब जब हमारा लल्ला अपने लट्टू से खेल रहा हो। आपने उचित कहा आर्य, हमारा लल्ला तो बालक है, ऐसा कर ही नहीं सकता। किसी और को क्षति कहां से पहुंचाएगा जब वो स्वयं की रक्षा नहीं कर सकता। हाँ सही कहा मैया, मैं तो छोटा सा बालक हूँ, भोला हूँ, दुर्बल हूँ। हाँ हमारा कान्हा ऐसा नहीं कर सकता। इस नंद ने हमेशा अपने पद का दुरुपयोग किया है, अपने बालक के हर उत्पाद को क्षमा किया है, लेकिन उस महाजन का क्या? उसने इतनी मेहनत से पक्षी को पकड़ा था, इस कान्हा ने उसे स्वतंत्र कर दिया, क्या उसको इस अपराध के लिए दंड नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए।